more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. और अब वक्त हो चला है आपको एक बड़ी खबर देने का और नामकरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर से रूबरू कराने का। तो बता दें कि इस बार नामकरण में एक बार फिर से आने जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े ट्विस्ट, जो इस बार कहानी को ले जाएंगे एक अलग ही मोड़ पर। क्योंकि अब अवनी ने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन अब जब नील को ये सब पता चलेगा और नील आएगा लेने के लिए अवनी को वापस और करेगा अवनी से घर चलने की सिफारिश, तो बता दें कि अवनी कर देगी साफ साफ इनकार। जी हाँ, बता दें कि अब कहानी में बहुत ही मज़ेदार तरीके से आने जा रहे हैं कुछ मेजर ट्विस्ट और अब नामकरण में देखने वाले हैं आप कि अवनी को घर में ना पाकर बौखलाया हुआ नील अब ढूंढने लगेगा अवनी को और पहुंच जाएगा सीधा अवनी के पास उसके घर पे उससे माफ़ी मांगने के लिए और घर ले जाने के लिए भी। लेकिन अवनी नहीं आएगी नील के साथ और कर देगी साफ साफ इनकार। लेकिन इससे पहले आप ये भी देखेंगे कि कैसे नील को देखकर पहले तो अवनी हो जाएगी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन तभी याद आएगी अवनी को वो सब बातें जो बेबे ने और श्वेता ने कही होती हैं अवनी से उसकी माँ को लेकर। और अब इसी की वजह से और साथ ही अपने कारण नील की फैमिली में दरार पड़ने की वजह से भी अवनी सोच लेगी कि वो नहीं जाएगी नील के साथ, क्योंकि अगर वो गई तो एक बार फिर से नील के परिवार में दरार आ जाएगी, जो अवनी कभी भी नहीं चाहती है और ना ही कभी भी कदम रखने वाली है नील के घर पे, क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि नील के घर वालों के बीच उसी की वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो। तब ये देखकर जहाँ नील हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा मायूस, तो वहीं अब ये देखना होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अब ये सच बता देगी अवनी, यानी आखिर नील के साथ घर क्यों नहीं लौट रही है अवनी, क्या इस बात का खुलासा कर पाएगी नील के सामने, ये भी देखने में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.